हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी भी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में जानलेवा गर्मी झेल रहे उत्तर प्रदेश वासियों के लोगों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक हीट वेव और वार्म नाइट का भी अलर्ट यानी दोस्तों आज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और आज रात में दोस्तों हीट वेव और वार्म की चेतावनी से बाहर आ जाएगा, यानी रेड अलर्ट भी दोस्तों कल तक ही था उसे बाहर आ गया है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आज दोस्तों पूरी हवाओं का आगमन होगा, जिससे उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होगी, कहीं पर बूंदाबांदी होगी और ज़्यादातर जिलों में बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, जिससे अच्छी खासी यहाँ पे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। कल भी कई जिलों के अंदर बारिश देखने को मिली है, तो किन किन इलाकों में बारिश हुई है, किन किन इलाकों में आज होगी, तो इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा काम करना होगा, जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाना है और यहाँ आप अपने जिले और अपने गांव का नाम जरूर से लिख देना, ताकि आपके गांव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी मौसम संबंधी कुछ भी जानकारी हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुँचा पाऊँ। तो बात कर लेते दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो उत्तर प्रदेश में बीते दिनों भीषण गर्मी के चलते पिछले कई रिकॉर्ड टूटते देखने को मिले हैं। वहीं वाराणसी में मई में सर्वकालीन उच्चतम तापमान दोस्तों कल दर्ज हुआ है। वहीं परसों भी प्रयागराज के इतिहास में अब तक का सबसे गर्म रात रही है। वहीं लखनऊ में भी दोस्तों परसों रात 1982 के बाद सबसे गर्म दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों कल लखनऊ में 1995 के बाद मई में पहली बार इतनी तापमान 45 डिग्री के ऊपर गया है, लेकिन इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से यूपी के लोगों को आज हल्की राहत मिलने के आसार हैं। आज से प्रदेश में मौसम में बदलाव होने वाला है और मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी के कई इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं दोस्तों कल यूपी में लू से निजात मिलने के भी आसार जताए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में लू को लेकर रेड अलर्ट से बाहर निकल गया है और मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी में मौसम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों आज पश्चिमी यूपी के एक दो स्थानों पर और पूरी यूपी के कुछ इलाकों में लू चलने के आसार हैं और इसी दौरान पश्चिमी यूपी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू धूल भरी आंधी चल सकते हैं। इसके अलावा पूरी और पश्चिमी यूपी में आज कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें भी हो सकती हैं। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार आज यूपी के वाराणसी, संत रविदास नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बागपत, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, औरैया और आसपास के इलाकों में लू चलने के आसार हैं। वहीं बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर और आसपास के इलाकों में गरज चमक की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज बिजली गिरने और बादल गरजने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं, जिससे जिले बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, आजरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, अमरोहा, शाहजहाँपुर, संभल, बदयू, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, हरदोई, फारुखाबाद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर हैं। मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों कल से लखनऊ समेत यूपी के कई इलाकों में, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दिन पश्चिमी यूपी में बिजली चमकने और धूल भरी आंधी चलने के भी आसार जताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। परसों की बात करें तो परसों पश्चिमी यूपी में आंधी की और 30 से 40 किलोमीटर प्रति 50 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आंधी चल सकती हैं और परसों के बाद यहाँ पर 3 जून की बात करें तो पूरी यूपी में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। प्रदेश के आगामी दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं गर्मी के चलते उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके तप रहे हैं। लोगों को गर्मी के कारण हाल बेहाल हो गया है, यहाँ तक कि लोगों को दोपहर के वक्त घरों से निकलना बंद कर दिया दोपहर के समय। ऐसे में मौसम विभाग ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी का प्रकोप कम होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लखनऊ केंद्र के प्रभारी मोहम्मद दानिश ने मानसून की जानकारी देते
करते हुए बताया कि मानसून सबसे पहले केरल में आता है, इसके बाद हम प्रदेश में मॉनिटरिंग कर पाते हैं और मानसून की स्थिति बन रही है कि अब कब दस्तक दे सकता है, मगर 20 जून तक मानसून प्रदेश में संभवतः दस्तक दे देगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश में की जनता को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर बारिश तथा गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के चेतावनी जारी करते हुए कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक दो जगहों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर लू की स्थिति रहने की संभावना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक दो जगहों पर रात के वक्त भी लू चल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी व गरज के साथ बिजली चमकने में तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है, इसके बाद 202 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। लू को लेकर प्रदेश के अधिकांश जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई एक्सपर्ट ने लोगों को दोपहर के 12 बजे बाद से लेकर 3 बजे तक घरों से बाहर निकलने से मना किया है। वहीं लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी मौसम विभाग ने खास चेतावनी जारी की है, तो लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और गर्मी के वक्त कोई ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलने की संभावना यहाँ पे मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। हालांकि दोस्तों आंकड़े के मतलब कई जिलों के अंदर भयंकर गर्मी अभी पड़ रही है। वहीं दोस्तों आज बहुत ही कम जिलों के अंदर यहाँ पे गर्मी पड़ने की संभावना और लू चलने की संभावना जताई है। वहीं दोस्तों अगले 5 दिनों का मौसम की जानकारी बता देते हैं, तो मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों कल से यूपी में अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है, इसके बाद 2-3-4 जून को फिर से तापमान बढ़ेगा और गर्मी बढ़ने के आसार। 5 जून को मौसम शुष्क रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है, उसके बाद 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वहीं पिछले 24 घंटों में यूपी के शहरों का अधिकतम तापमान है जो प्रयागराज में सर्वाधिक तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बहुत ज़्यादा है, और लखनऊ का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री दर्ज हुआ है, और बस्ती में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बहराइच का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, वाराणसी में भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है और बलिया में भी अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पिछले 24 घंटों में बुलंदशहर में सबसे कम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, मेरठ का न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज हुआ है, अयोध्या में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री, बस्ती का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान 33.08 डिग्री दर्ज हुआ है, वहीं लखनऊ का न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री दर्ज हुआ है, इटावा में न्यूनतम तापमान 31.02 डिग्री दर्ज हुआ है, अलीगढ़ का न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, आगरा में न्यूनतम तापमान यहाँ पर 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, बरेली का तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।